ग्वालियर में सराफा बाजार के गोदाम में लगी आग ने 25 से ज्यादा परिवारों का जीवन संकट में डाल दिया है। रिहायशी इलाके में बने इस गोदाम में आज सुबह 3 बजे भीषण आग लग गई थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। इस आग से आसपास से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, हालांकि पुलिस और प्रशासन अभी जांच कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आज से 5 साल पहले इसी फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। इलाके के लोग प्रशासन को कई बार गोदाम हटाने की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम ने अब गोदाम मालिक से बात कर मसले पर कार्रवाई का मन बनाया है। एकदम आवाजें आई और बदबू आने लगी पूरी तरह से। लगभग टाइम था 3 बजे का रात को। अब देखा तो बहुत जबरदस्त आग लगी थी, हम सब लोग घर के बाहर भाग गए, मौका ही नहीं मिला हमको देखने का। ये पीछे सराफा में रेमंड शोरूम के पीछे बिस्किट का कारखाना है और वहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी।